देश नूं ठंड ने अपनी जकड़ विच लै रहा है। जे गल असी अमृतसर की करिए तो अमृतसर दे विच वी इस वेले कड़ाके की ठंड पै रही है। लोग अपने घरां दे विच दुबक के बैठ गए ने, पर आस्था अगे ठंड का भी कोई जोर नहीं है। असी इस वेले सचखंड श्री हरिमंदर साहब के बाहर खड़े हाँ, तुसीं इस वेले देख सकते हो। अज मस्या का दिहाड़ा है, फिर भी संगतां इत्थे दूर दुराडे तो आ रही ने, ठंड की परवाह किए बगैर दर्शन इशनान कर रही है। बहुत वड्डी गिनती दे विच तुसीं देख रहे हो कि संगत जिहड़ी है दूर दुराडे तो इत्थे पहुँच रही है और कड़ाके की ठंड दे विच परवाह किए बगैर पवित्र सरोवर च इशनान कर रही है और लाइना च लग के सतगुरु के दर्शन कर रही है। तुसी देख सकते हो बहुत वड्डी गिनती दे विच श्रद्धालु सचखंड श्री हरिमंदर साहब पहुँच रहे हैं और अपनी आस्था का प्रगटावा कर रहे हैं। इस आस्था के अगे ठंड का कोई जोर नहीं है, चाहे नेरी आंदी होवे, चाहे मीह कटा होवे, तूफान होवे, चाहे कड़ाके की ठंड होवे, चाहे गर्मी होवे, पर आस्था दे अगे इसका कोई प्रभाव नहीं पैंदा है। तुसी देख सकते हो कि श्रद्धालु आम रूटीन वांग ही सचखंड श्री हरिमंदर साहब नतमस्तक होने लई इत्थे पहुँच रहे ने। दूर दुराडे तो पहुँचते हैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भी श्रद्धालुओं नूं ठंड तो बचाने लई उचेचे प्रबंध किए गए ने। जिस तरह के सचखंड श्री हरिमंदर साहब के अंदर परिक्रमा करते हुए स्पैशल ठंड तो बचाव लई टाट बिछाए गए ने कि श्रद्धालुओं नूं ठंड का प्रभाव ना रहे, उन्हां दे पैर जिहड़े ने ओह ज़्यादा ठुरन ना। इस नूं लै के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों टाट भी बिछाए गए ने। इस तों इलावा होर तुसीं जिहड़े जिते श्रद्धालु अपनी लाइन च लगे ने उत्थे हीटर्स का प्रबंध किया गया है ता जो श्रद्धालुओं नूं ठंड तो बचा दे, पर श्रद्धालुओं नूं ठंड का कोई असर नहीं है। वो अपनी श्रद्धा प्रगटाउण लई इत्थे ठंड की परवाह किए हुए और इत्थे पहुँचते हैं। सवेर तो ही लंबिया लंबिया कतारा श्रद्धालु इत्थे पहुँचते हैं और पवित्र सरोवर के विच इशनान करते हैं, सतगुरु के दर्शन करने लई लंबिया लंबिया कतारा च लगते हैं, पवित्र सरोवर च इशनान करके अपना जीवन सफल करते हैं और लाइना च लग के ठंड की परवाह किए बगैर देर रात तो ही वो लाइना च लग जाते हैं और सतगुरु के दर्शन करके अपने आप को वड़भागा महसूस करते हैं। श्रद्धालुओं तो जानते हैं कि उन्होंने की इस ठंड के उन्होंने देखने को मिलता है कि उन्होंने आस्था के उत्ते की प्रभाव पैंदा है, ये असी जानते हैं। बहुत ठंड पै रही है, भज के लोगों अंदर रजाइया जाना पै रहा है, मगर आस्था के उत्ते कोई किसी तरह का प्रभाव नहीं, किस तरह की लग रहा है? देखो जी, ये तो गुरु रामदास की नगरी है, तो महाराज गुरु गोबिंद सिंह के छोटे साहबजादे ने शहीदी ये मस्या का दिहाड़ा, तो महाराज के दर्शन कर लोग आते दूरों दूरों, तरन तारण साहब भी जाते हैं, हम अभी तरन तारण साहब गए पहलों, हम इतने हाजरी भरी महाराज का। ठंड बड़ी है, ठंड के नाल कोई लिंक नहीं है जी, ठंड के नाल कोई लिंक नहीं है। जिन्होंने गुरु के मन के पाया ना भी अज मस्या अं सवेरे जाना तो जाना ही जाना, ये ठंड ठुंड का कोई नहीं है जी। हाँ जी, तुम की कहोगे जी, इन्नी बहुत ज़्यादा ठंड है जी? इस ठंड तो गुरु साहब जी साहबजादे छोटे साहबजादे बड़े साहबजादे जंग के ठंड के बच्चे रेंदे रहे हैं, कृपा नाल ठंड तो कुछ भी नहीं है वा है, तो इतने दर्शन लोग दूरों दूरों चल के आते हैं, तो ठंड तो कुछ भी नहीं, जो वो ठंड से रह सकते तो है ही साढ़े वास्ते की चीज़ है, उन्होंने कृपा सारे ही तुरे फिरते हैं।
छोटे साहिबजादियां दा शहीदी पर्व मना रही संगत दे उत्ते ठंड देखण नूं नहीं मिलदी है। ठंड दा ज़्यादा प्रभाव संगतां दी आस्था दे उत्ते देखण नूं नहीं मिलदा। दूर दुराडे तो लोग सचखंड श्री हरिमंदर साहब सवेर तो ही अमृत वेले तो ही पवित्र सरोवर च इशनान कर गुरु घर नतमस्तक हो रहे हैं। लोग इस दिहाड़े ते क्योंकि अज मस्या दा दिहाड़ा है, मस्या दा दिहाड़ा होण करके अमृतसर दे नाल रिलेटड जिन्ने भी पिंड ने वो लोग इत्थे पहुँचते हैं सचखंड श्री हरिमंदर साहब नतमस्तक होते हैं। पर उस तो इलावा भी आने दिनों दे विच भी जिहड़े लोग ने वो इत्थे आके अपनी आस्था का प्रगटावा करते हैं तां उन्हां नूं इस दा ठंड दा कोई उन्हां दे उत्ते असर नहीं वेखण नूं मिलदा है। पर लोकां मुताबिक के गुरु घर नतमस्तक हो के उन्हां नूं जो सुकून जो शांति मिलती है वो ठंड दा उहदे उत्ते कोई असर नहीं है। कैमरा परसन मुकेश दे नाल ज्योति बहल, दैनिक सवेरा टीवी, अमृतसर।